सड़क निर्माण में खराब मटेरियल लगाया गया तो वहीं घरों के अंदर की हालात आप देख सकते हैं। बारिश की वजह से सड़क पर भी, और ये देखिए सड़कों का पानी, सड़कों पर पूरी तरह से पानी भर चुका है, जलमग्न हो चुकी हैं सड़कें, तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। और ये एलिवेटेड रोड है ये, जिसमें जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था और अब उसकी तस्वीर कुछ इस तरह से निकल कर सामने, यानी जल निकासी का कोई प्रबंध पहले से किया नहीं गया। एलिवेटेड रोड के नाम पर जिस तरह से सुविधा और सौगात देने की बात कही गई, उन सबसे इतर ये तस्वीर भी बताती है कि ये सुविधा और सौगात कितनी महत्वपूर्ण है आप सब लोगों के लिए। बारिश और बारिश ने पोल खोलकर रख दी, जो बड़े बड़े दावे और वादे करते फिरते थे उनके लिए ये तस्वीर। और हमारे साथ नगर आयुक्त सीपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका सीपी सिंह साहब भारत समाचार पर। थैंक यू। सीपी सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कोई तैयारी पहले से की नहीं गई, क्योंकि मानसून तो हर साल आता है, बारिश हर साल बरसती है, लेकिन हर साल भी हमें यही तस्वीरें क्यों देखनी पड़ती हैं? नहीं, सारी तैयारी की गई, सारे नाले साफ कराए गए हैं जी। जो विशेष घटना है वसुंधरा में सेक्टर 4C की, इसमें 100x100x10 meter की डेप्थ का एक टावर बन रहा था, उसमें पानी भरा, उसकी वजह से सड़कें कट गई हैं। वहाँ हमारे चीफ इंजीनियर सारे व्यवस्था कर दी गई है, और ये इसका इस तरीके की वो पहले से आशंका नहीं थी। और सीपी सिंह जी, आप फिलहाल अभी ऑफिस में होंगे? नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, हम और हमारी पूरी टीम सारी क्षेत्र में है, तो क्षेत्र की आप स्थिति नहीं समझ पा रहे? बारिश के पानी ने पूरी तरह से तालाबों में तब्दील कर दिया है सड़कों। नहीं, मुझे मालूम है, और काफी अप्रत्याशित बरसात हुई है, और जो भी हमारे संसाधन है और जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं सब पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और चूंकि अप्रत्याशित रूप से बरसात हुई है तो मौसम विभाग ने तो पहले ही आशंका व्यक्त कर दी थी, आप इसे अप्रत्याशित कैसे कह सकते हैं? मानसून तो हर साल ऐसे ही आता है। नहीं, तो हम लोगों ने पूरी तैयारी पहले से की हुई थी, और जितनी तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी की हुई है, और अप्रत्याशित रूप से तैयारी की तैयारी आपकी फेल साबित हुई ना? तैयारी तो थी नहीं फिर? नहीं, हमारी कोई तैयारी फेल नहीं साबित हुई है, और बरसात हुई है, और अच्छी बात है बरसात हुई है, और हम लोगों की तैयारी है, ऐसा कोई इशू। हाँ, ये वाली बात आपने सही कही कि बारिश हुई अच्छी बात है, और सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो गई ये भी अच्छी बात है। वो सारे जो पानी जल भराव है वो जल निकासी हो जाएगी। लेकिन परेशानी जो दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है जनता को, उसका क्या? हम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और हम लोग जनता के दुख दर्द के साथ नहीं, जनता की परेशानी को सुलझाने के लिए ही तो आपको रखा गया है, नगर आयुक्त तभी तो है। हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए होते तो ये तस्वीरें निकल कर सामने नहीं आती। सीपी सिंह साहब, हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप फेल साबित हुए ये तो पक्का है। अब वो आपको क्या कहना, आप कहिए, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। ये पूरी तैयारी दिख रही है, पूरी जो 22 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है कि गाजियाबाद के क्या हालात है दिल्ली से सटा होने के बावजूद। बरसात ज्यादा हुई है। चलिए, इस बार अगली बार कहीं ना कहीं इंद्रदेव से कहना पड़ेगा कि नगर आयुक्त सीपी सिंह जी साहब से पूछकर कम से कम बारिश करवाई जाए, क्योंकि बारिश ज्यादा हो जाती है, दिक्कतें हो जाती हैं उनको। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लोकेश राय जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। लोकेश, लगता है कहीं ना कहीं इंद्रदेव से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीपी सिंह साहब कह रहे हैं कि अप्रत्याशित बारिश हो गई है, यानी कम बारिश होती तो ठीक रहता। देखिए, समस्या यही है कि जिन विभागों की जिम्मेदारी होनी चाहिए प्रज्वल, वो लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, और अगर सही समय पर नालों की सफाई हुई होती और ड्रेनेज सिस्टम साफ किए गए होते निगम की तरफ से, जबकि इसको लेकर के एक अच्छी खासी रकम और बजट भी आता है, लेकिन अगर ऐसा किया गया होता तो शायद इस तरीके का सामना ना करना पड़ता। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो यहाँ के नक्शे हैं, उनके लिहाज से अथॉरिटीज सही तरीके से काम नहीं कर रही, और इसी का खामियाजा ऐसी थोड़ी सी बारिश में भी झेलना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए लोकेश भाई। और एक और तस्वीरें दिखाते हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जिला कलेक्ट्रेट, जहां से हर तरह की योजनाएं धरातल पर उतारी जाती हैं, लेकिन वही योजनाओं वाला भवन जल भराव है। देखिए, कलेक्ट्रेट जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मूसलाधार बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। कलेक्ट्रेट की ये तस्वीरें हैं, काफी दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर है कलेक्ट्रेट के बाहर, ये सड़क नहीं है, दरअसल ये तालाब में तब्दील हो चुकी है। कलेक्ट्रेट के बाहर की ये तस्वीर है, और अंदर भी बारिश का पानी ही पानी, हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आया। और इस खबर